हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका फिर से वेलकम करती हूँ न्यूटन मैंडल क्लासेस में। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में कार्नोट इंजन इनके बारे में पढ़ा था और आप लोगों को इसमें न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम थी, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल समझाऊंगी। एक न्यूमेरिकल आप लोगों के जो डाउट था उसका लिखा हुआ है और बाकी मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क बिटवीन स्टीम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। देखो, अपने पास क्या कह रहा है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करो किसकी, एक कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, वर्क कर रहा है किस किस के बीच में, स्टीम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर तो दिया हुआ नहीं, बे एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, 1 - T2/T1। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 - T2/T1। अब यहाँ पे हमारे पास T2 की वैल्यू क्या होगी, T1 की वैल्यू क्या होगी। देखो, यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, एक स्टीम टेम्परेचर लिखा हुआ है, एक टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। स्टीम टेम्परेचर का मतलब है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। स्टीम टेम्परेचर का मतलब क्या है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस का मतलब है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस का मीनिंग क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसको हम मान लेते हैं स्टीम टेम्परेचर को T1 और मेल्टिंग आइस को टेम्परेचर मान लेते हैं T2। T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको सबसे पहले आप लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। 100 + 273 कितना हो गया, 373। उसके बाद हमारा T2 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, 273। ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गए, केल्विन में। फिर सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - T2/T1। इसको सॉल्व किया और एफिशिएंसी के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। देखो, जो कार्नोट इंजन है वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अपने पास न्यूमेरिकल एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल बनेगा। आप लोगों को इसके फॉर्मूले आने चाहिए कि रिवर्सिबल हीट इंजन में एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन क्या है। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास कह रहा था कि एफिशिएंसी निकालो कार्नोट इंजन की जब वर्क करता है किस किस के बीच में, स्टीम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। किस किस के बीच में वर्क कर रहा है, स्टीम टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। स्टीम टेम्परेचर का मतलब हमारे पास कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस का हमारे पास मीनिंग कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। एफिशियंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 - T2/T1। हमारे पास जो स्टीम टेम्परेचर है वो कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। 100 + 273, ये तो सबको पता होगा, सेल्सियस को जो केल्विन में कन्वर्ट करना, तो इसमें क्या ऐड कर दो, 273, कितना हो गया, 373। दूसरा टेम्परेचर कितना हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया कितना हो गया, 273 ऐड किया, कितना हो गया हमारा, 273। फिर फॉर्मूला लगाया एफिशिएंसी का, जो कि हमारे पास कितना होता है, 1 - T2/T1। इसको हमने सोल्व किया और एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है, क्या आप लोगों की प्रॉब्लम थी, कमेंट बॉक्स में आपने मुझसे पूछा हुआ था, तो इस न्यूमेरिकल को पढ़ो और इसे समझो अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, रिवर्सिबल हीट इंजन, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, कन्वर्ट कर रहा है 1/5 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस बाय 50 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा सिंक है उसके टेम्परेचर को कितना रिड्यूस कर दिया गया, 50 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस किया, इट्स एफिशिएंसी इज डबल, तब इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, आपको क्या निकालना है, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया, एफिशिएंसी है जिसमें वो कितने कन्वर्ट हो जाती है, 1/5 कन्वर्ट हो जाती है। जब हम सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, जब हम किसके टेम्परेचर को, सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, तो जो हमारे अपने पास जो हमारी एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। इस कंडीशन में आप टेम्परेचर निकालो किस किस का, सोर्स का और सिंक का। हमें फॉर्मूला पता है, ईटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 - T2/T1। कितना कह रहा है ये, कन्वर्ट 1/5 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, तो कितना कन्वर्ट हो गया, 1/5। यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे, T2/T1। देखो अपने पास 1 एज इट इज, इधर लेके आओगे तो कितना हो गया, -1/5 T2/T1 एज इट इज। ऐसे हम लेके सॉल्व किया, T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4/5 T1। T2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/5 T1। इसके बाद क्या कह रहा है कि हमने बोला कि जो सिंक है ना उसका टेम्परेचर हमारे पास T2 है, सिंक का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, T2। ये क्या कह रहा है कि सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया गया, कितना, 50 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस किया, तो कितना हो गया, T2 - 50, इतना डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया, रिड्यूस किया। जब ऐसा रिड्यूस किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल। ध्यान से समझना, जब हम लोगों ने ऐसे किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है हमारी, डबल। एफिशिएंसी डबल हो गई, इसका मतलब ईटा डैश, मतलब पहले अपनी एफिशिएंसी अपन ने क्या मान रखी थी, ईटा, इसके डबल होगी तो क्या लिख दिया, 2 ईटा। इसको हमने क्या मान लिया, ईटा डैश। ईटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/5। कितनी वैल्यू इसकी, 1/5, तो कितना हो गया, 2 × 1/5 की हमारे पास कितना बना,
2/5 हमने जो टेम्परेचर रिड्यूस किया है वो किसका रिड्यूस किया, सिंक का। वो कितना रिड्यूस किया, 50। तो क्या लिखा मैंने, T2 - 50 डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारा T1। ये किसके बराबर है हमारे पास, 1 - T2 / T1। कितना हो गया हमारे पास, ये 1 - एफिशिएंसी कितनी है, 2/5। कितना हो गया, 3/5। इन इक्वेशन को आप जब सोल्व करोगे, देखो मैंने इक्वेशन सोल्व नहीं की, ये आप लोग करें ना, जब इक्वेशन सोल्व करोगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, T1 और T2। आपको न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी कंफ्यूज रहना कि 1/5 दे रखा है, रिड्यूस करा है, जैसे जैसे टर्म दी हुई ना बिल्कुल वैसे करो। जैसे यहाँ पे लिखा इसने, यहाँ पे इसने सिंपली बोला दो वर्ड यूज किए, एक स्टीम इंजन और एक अपने पास, सॉरी एक स्टीम टेम्परेचर और एक टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस। अब आप लोगों को घबराना नहीं है कि टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी हुई, सिर्फ इतना याद रखो कि स्टीम टेम्परेचर है, स्टीम टेम्परेचर के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। जबकि अब मेल्टिंग आइस की बात करते हैं तब हमारे पास टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग क्या करो, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला लगाओ कि हीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 - T2 / T1। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, एफिशियंसी आ गई। दूसरी बात हम लोगों ने क्या की, ये कह रहा है कि रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कन्वर्ट कर रही है 1/5 ऑफ हीट इनपुट को वर्क में कन्वर्ट कर रही है, इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। और इस दौरान एफिशियंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, जब हमारे पास टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस होता है, तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो आप लोग क्या निकालो, टेम्परेचर निकालो किस किस का, सोर्स का और सिंक का। अब हमें पता है ईटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 - T2 / T1 कितना कन्वर्ट हो रहा है, 1/5। यहाँ से मैंने इसको सॉल्व करके किसके लिए निकाली, T2 की, जो कि हमारे पास कितनी है, 4/5 ऑफ T1। अब ये कहते हैं कि जब सिंक की टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं, सिंक की टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस, वो भी कितना, 50 डिग्री सेल्सियस, तब हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल। तो हमने इसकी एफिशिएंसी निकाली, पहले कितनी थी, 1/5, अब इसका डबल होगी तो कितना होगी, 2/5। फिर इसमें कंडीशन लगा दी और हमारे पास किसकी वैल्यू निकालोगी, T1 और T2। फिर भी अगर आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया या इसमें कोई आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये दोनों न्यूमेरिकल आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखो अब आता है हमारे पास अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जिसके लिए आपको पहले एक टॉपिक का बताना चाहिए। देखो हमारे पास क्या आता है, कार्नोट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर। हमारे पास टॉपिक क्या आता है, कार्नोट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर। देखो कार्नोट इंजन एज रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या है कि हमारे पास एक रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या है कि कार्नोट इंजन में जो Q2 एनर्जी है ना वो तो एब्जॉर्ब की जाती है सिंक से। Q2 एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब की जाती है, सिंक से। और जो Q1 है वो रिजेक्टेड की जाती है सोर्स तक एट हाईर टेम्परेचर। कहाँ पे, हाईर टेम्परेचर पे। देखो हमारे पास क्या है, कार्नोट इंजन एज अ रेफ्रिजरेटर, कि जो कार्नोट इंजन है वो किसके जैसे वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर के जैसे वर्क करता है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या, रिवर्स प्रोसेस है। देखो फ्रिज में हमारे पास चीजें क्या होती है, ठंडी होती है ना, इसका मतलब यहाँ पे सिंक में जो हमारे पास हीट है, Q2 हीट एब्जॉर्ब होगी कहाँ पे, सिंक में। और जो Q1 हीट है वो हमारी रिजेक्ट होगी कहाँ पे, सोर्स में। इसमें हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम डिनोट करते हैं K से। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Q2 / W। Q2 तो क्या हमारी हीट है जो एब्जॉर्ब की जाती है सिंक के द्वारा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, Q2। और W क्या हमारा, Q1 - Q2। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये आपके पास करना है कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस पे। पर इससे पहले आपको पता होना चाहिए था कि कार्नोट इंजन एक रेफ्रिजरेटर के जैसे कैसे वर्क करता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्नोट इंजन पढ़ा था, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो कार्नोट इंजन है ना वो कैसे वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर के जैसे वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर के जैसे वर्क करने का मीनिंग है वो एक रिवर्स प्रोसेस में काम करता है। रिवर्स प्रोसेस में काम करने की जैसे हमारा जो कार्नोट इंजन है वो किसी जैसे बिहेव करता है, रेफ्रिजरेटर के जैसे बिहेव करता है, क्योंकि कार्नोट इंजन रिवर्स प्रोसेस में काम करता है। रिवर्स में काम करने का मतलब क्या है कि वो किसके जैसे बिहेव करेगा, फ्रिज के जैसे बिहेव करेगा, रेफ्रिजरेटर के जैसे। जिसका मतलब ये है कि वहां पे जो हीट एब्जॉर्ब की जाती है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है, Q2। और जो हीट रिजेक्ट की जाती है वो कौन सी हीट रिजेक्ट की जाती है, Q1। सोर्स तक रिजेक्ट की जाती है। इसमें हमारे पास एक वर्ड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम डिनोट करते हैं K से। किसे डिनोट किया जाता है, K से। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q2 / W। W हमारे पास क्या हो गया, वर्क डन हो गया जब ये एब्जॉर्ब या रिजेक्ट की जा रही थी। इस दौरान हमारे पास जो वर्क डन हुआ वो हमारे पास क्या होता है, W। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, Q1 - Q2। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हुआ, Q1 - Q2। ठीक है, ये आपको समझ में आया। कार्नोट इंजन एक रेफ्रिजरेटर की जैसे वर्क करेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्या आता है हमारे पास कि एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर टेक्स हीट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर है ना वो हीट ले रहा है कितनी, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड डिस्कार्ड इट टू अ रूम। एक रूम में इसको डिस्कार्ड कर रहा है कितना टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 1 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू बी चेंज इन टू आइस। मतलब हमें क्या करना है, अभी क्या कहा,
फ्रिज का काम है, रेफ्रिजरेटर का काम है रिवर्स प्रोसेस, यानी वाटर को किसमें कन्वर्ट करेगा, आइस में, वाटर को किसमें कन्वर्ट करेगा, आइस में, वही चीज कह रहा है। 1 kg ऑफ वाटर एट 0 degree Celsius इज टू बी चेंज इनटू आइस एट 0 degree Celsius। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? इस कंडीशन में आप क्या बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? आपको समझ में आया हमारे पास क्या कह रहा है कि 1 kg पानी है, एक जो हमारे पास वाटर है उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है। देखो यहाँ पे हमारे पास सिंक का टेम्परेचर कितना है, T2। सिंक का टेम्परेचर कितना हो गया T2, जो कि कितना दिया हुआ है, हमने सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, कितना हो गया 273 केल्विन। दूसरा जो टेम्परेचर दिया हुआ है रूम टेम्परेचर, ये हमारे पास कितना है 27 degree Celsius, इसको जो केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया 300 केल्विन। अब यहाँ पे हमें स्पेशली क्या चाहिए इसके लिए, एनर्जी, क्योंकि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है Q2/Q1-Q2, यानी हमें क्या निकालने आने चाहिए, एनर्जी और आनी चाहिए। एनर्जी कैसे निकालोगे, क्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है Mn2L, क्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है Mn2L, एम इज द मास, एल इज द लैटेंट हीट। यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी होती है, फिक्स होती है 80, 1 kg कितना हो गया 1000 ग्राम, क्योंकि वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 80,000 कैलोरी। इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, कैलोरी में, आप चाहें तो इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास रिलेशन होता है 1 calorie = 4.182, या आप इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं 4.82 जूल, ठीक है, 1 calorie का 4.2 जूल, क्या लिख सकते हैं 4.2 जूल या फिर 4.182 जूल, ठीक है। आप देखो हमारे पास कंडीशन क्या है, Q1/Q2 किसके बराबर होता है T1/T2। कंडीशन क्या है, Q1/Q2 किसके बराबर होता है T1/T2, किसकी वैल्यू निकाली हमने Q1 की, Q2 चला जाएगा इधर, T1 T2 की वैल्यू हमारे पास है, Q2 की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की, हमारे पास क्या आ गया कोफिशिएंट, मतलब कि अपने पास आ गई Q1 आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q2/Q1-Q2, ये फॉर्मूला पुट किया Q2/Q1-Q2, आपके पास Q2 की वैल्यू, देखो Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, Q2 की वैल्यू 80,000 कैलोरी, Q1 की वैल्यू कितनी है 87912, और Q2 वैल्यू इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं। देखो हमने आज क्या क्या किया, न्यूमेरिकल किए हमने, सबसे पहले हमने सिंपल न्यूमेरिकल किए इस पे कार्नोट इंजन पे, और ये हमारे पास कार्नोट रिवर्सिबल क्या है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आया जिसका नाम हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब हमारे पास होता है कि इसमें हम पढ़ते हैं कि जो कार्नोट इंजन है ना, वो एक रेफ्रिजरेटर के जैसे वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर के जैसे वर्क करने का मतलब है कि रिवर्स प्रोसेस में काम करता है। कैसे प्रोसेस में काम करता है, रिवर्स प्रोसेस में काम करने का मीनिंग है कि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो सिंक में एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी, Q2, जबकि हम कार्नोट इंजन में हीट क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं वहां पे, और यहाँ पे Q1 हीट रिजेक्ट हो रही है कहाँ पे, सोर्स के पास रिजेक्ट हो रही है हाईर टेम्परेचर पे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, K से, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q2/W क्या हो गया, Q2, वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, Q1-Q2, वर्क डन हमारे पास क्या हो गया, Q1-Q2। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल किया कि कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है, आपने टेम्परेचर निकाला, अलग हीट निकाली, और हमने क्या कैलकुलेट किया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखो आज हमने अपने पास सिर्फ न्यूमेरिकल किए कार्नोट इंजन, कार्नोट रिवर्सिबल के, तो आज आप इनके न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, और किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फिर अपन आगे अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है, जूल लॉ ऑफ थॉमसन इफेक्ट क्या है, अपने पास आगे सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप न्यूमेरिकल करिए, और किसी भी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू।